दिन पूर्व अफजलगढ़ में ट्रक से कुचलकर की गई महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मृतका के प्रेमी ने ही हत्या को सड़क दुर्घटना का रूप देने के उद्देश्य से मृतका के शव को ट्रक चढ़ाकर शतविशत कर दिया, जिस पर पुलिस ने खुलासा कर दिया है और घटना में प्रयुक्त लोहे की रॉड, मोबाइल व अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी नफीस अहमद उर्फ काला गांव मानियावाला के द्वारिका शुगर मिल अफजलगढ़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया और हत्या में प्रयुक्त लोहे की रॉड, मोबाइल व आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी को जेल भेज दिया गया है। खुलासा किया गया है, क्या मामला है? मनप्रीत नाम की एक महिला की अज्ञात के रूप में डेड बॉडी मिली थी परसों, ट्रक से कुचला हुआ छत-बिछत हालत में। उनके हाथ पर जो नाम गुदा हुआ था, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया। ये ज्ञात हुआ कि इनकी शादी सुखवीर नाम के व्यक्ति से उधम नगर में हो चुकी थी। पारिवारिक विवाद के चलते थाना अफजलगढ़ के मनियावाला गांव में नफीस के साथ रह रहे थे, यहाँ की इनका विवाद हुआ। 2-3 सालों से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। नफीस जो कि ट्रक चलाता था, खुद की ट्रक, उस विवाद के चलते ले आया, साजिशन उसने लोहे की रॉड से प्रहार किया और NH-74 पर डाल दिया। फिर इसने अपने ट्रक से उछल दिया साक्ष मिटाने के लिए। नफीस को गिरफ्तार किया गया है, ट्रक बरामद है, लोहे की रॉड बरामद है, जुर्म को इकबाल किया, अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है।